टुडे इज़ आर फोर्टीथ मीटिंग आज हमने पिछली दफ़ा एक प्रॉब्लम शुरू किया था पहले उसको डिस्कस करते हैं और कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत मज़े का है उसको शुरू करेंगे वो टॉपिक है पॉइंटर्स का चलिए आइए हम पिछली दफ़ा वाले प्रॉब्लम को पहले कंप्लीट कर लें वो प्रॉब्लम आपको याद होगा Had to do with salaries डू विद सैलरीज एंड takes एंड हु बैक होम एंड ही इज़ अर्निंग एक्चुअली मोर देन हिज को लीग जो इसके अंदर हमने इनपुट वाला फंक्शन डिस्कस कर लिया था अब हम कहते हैं कैलकुलेट सैलरी वाला फंक्शन आज डिस्कस करते हैं होपफुली आपने ये प्रॉब्लम एक्चुअली सारा पढ़ लिया होगा सब कुछ देख लिया होगा सो आई विल गो लिटिल क्विकली एस्यूमिंग दैट आपको चीज़ें समझ आ गई हैं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई ई मेल इज़ ऑलवेज देयर द डिस्कशन बोर्ड इज़ ऑलवेज देयर एंड यू कैन गेट टू अर्स कैलकुलेट सैलरी के अंदर जो छोटी सी कॉम्प्लिकेशन आती है वो ही वो टैक्स लैब्स की आती है कि जनाब जीरो से लेके फाइव थाउजेंड तक कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना फाइव थाउजेंड वन से ले टेन थाउजेंड तक फाइव परसेंट टैक्स डिडक्ट होगा एंड सो ऑन सो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग आई ऑल्सो मैंशन दैट वी हैव दिस टू डायमेंशनल एरे कॉल्ड उसके पहले कॉलम में तो हमने ग्रो सैलरी इनपुट करा ली यूज़र से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो है जिसमें कैलकुलेट सैलरी में जाएंगे इसमें भी ये एरे पास कर देंगे और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉज़ पास कर देंगे एरे जो है वो बाय रेफरेंस पास होगी सो so, जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो अवेलेबल होंगे हमें मेन प्रोग्राम के अंदर और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो बाय वैल्यू जाएगा सो इट इज़ गोइंग टू बी यूज एज अ लूप काउंटर सो वॉट डू वी डू

सेकेंड कॉलम के अंदर यानी इंडेक्स वाइज इट विल से द करेंट एम्प्लॉज रो कॉलम नंबर वन रिमेम्बर कॉलम नंबर जीरो और कॉलम नंबर वन जो है वो पहला और दूसरा कॉलम से सो लेट्स गो ऑन विद इट लूप शुरू हो गई ओपनिंग ब्रेस आ गया अब इसके अंदर कैसे हम कैलकुलेट करें कि नेट सैलरी क्या है यहाँ पर एक नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट चलेगी पहले तो आपने चेक किया कि जी इफ सैलरी इज़ लेस देन और इक्वल टू फाइव थाउजेंड ठीक है ये ग्रोस सैलरी की बात हो रही है देन नेट सैलरी इज़ इक्वल टू ग्रोस सैलरी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ द एरे दैट वी आर यूजिंग इट विल बी समथिंग लाइक सपोज द लूप काउंटर इज़ आई ठीक है ना जिससे हम एम्प्लॉयज़ के थ्रू स्टेप थ्रू कर रहे हैं सो वी विल से समथिंग लाइक इफ़ सेल Of i, comma 0 is less than equal to 5000. Now, assignment aajayi net salary ki sal of i second index was kaho 1. So, sal of i 1 equals sal of i 0. I am square brackets name each mekara. So, we have placed the same the gross salary in the net salary column. अब ये इफ़ था अगर पाँच हज़ार या उससे कम सैलरी है अब आ जाएं एल्स के अंदर एल्स क्या करना है नेक्स्ट ब्लॉक जो शुरू होता है ये अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रेस इस्तेमाल करें वो क्लियर रहती है चीज़ और इंडेंटेशन लाजमी है एज़ पर आर राइटिंग गाइडलाइंस एंड स्टाइल रूल्स सो वी से एल्स पर वो ब्रेस खोला अब नेक्स्ट इफ़ अब यहाँ पे हम पहुँचेंगे कब जब एम्प्लॉय की सैलरी जो है पाँच हज़ार या उससे कम नहीं है दैट इज़ द एल्स पार्ट सो अब केसेस क्या हैं इफ़ सेल ऑफ आई कॉमा ज़ीरो इज लेस देन और इक्वल टू टेन थाउजेंड ये हमने नेक्स्ट स्लैब डिफाइन किया था तो उसका देन वाला पार्ट जो है देन लिखते नहीं है सी के अंदर उसके अंदर आ जाएगा सेल ऑफ़ आई कॉमा आई स्क्वेयर ब्रैकेट वन इज़ इक्वल टू सेल ऑफ

नेस्टेड इफ़ वाले का पहला पा, पार्ट है इसका भी एल्स आता है सो से एल्स अब देखें हो क्या रहा है आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक रिफाइन होता जा रहा है पहले इफ़ ने कहा जी अगर सैलरी पाँच हज़ार या उससे कम है तो ये करो वरना अगर सैलरी दस हज़ार या उससे कम है तो ये करो वरना सो एनदर एल्स नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट इफ़ सैलरी इज़ विच इज़ सेल ऑफ आई आई ब्रैकेट ज़ीरो इज़ लेस दैन और इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है सेल ऑफ आई वन इक्वल्स सेल ऑफ आई ज़ीरो माइनस ज़ीरो पॉइंट वन टेन परसेंट का स्लेब है टाइम्स सेल ऑफ़ आई ज़ीरो सो अब दस फ़ीसद वाला अटैच हो गया ब्लॉक हो गया यहाँ पर दस फीसद वाला आ गया अब इसका भी एल्स अभी रहता है और वह एल्स आखिरी केस है और इस वास्ते आखिरी केस हमारा स्लैब जो था वो था सैलरी ग्रेटर देन ट्वेंटी थाउजेंड सो जब आखिरी केस आया वी डोंट नीड टू डू अ टेस्ट जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो जी इसकी सैलरी पाँच हज़ार से कम नहीं है दस हज़ार से कम नहीं है बीस हज़ार से कम नहीं है लिहाजा ये बीस हज़ार से ज़्यादा ही होगी सो सिंपली एल्स के अंदर आ जाएगा सेल ऑफ़ आई वन इक्वल्स सेल ऑफ़ आई ज़ीरो माइनस हमने अगर 15% परसेंट कहा था तो पॉइंट वन फाइव टाइम्स सेल ऑफ़ आई ज़ीरो सब सेमीकोलन वगैरह आप देख लिए लगे हुए हैं ये नेस्टेड इफ़ ब्लॉक बनता है इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ इस तरह हमने क्यों लिखा है दो तीन चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट नहीं चलता क्योंकि स्विच स्टेटमेंट स्पेसिफिक केसेस के साथ चलता है हमने यहाँ पे इफ के साथ कंपैरिजन करना हमें लाजमी है थोड़ा सा आप लॉजिक पे गौर करें तो यही टेस्ट उल्टे नहीं किए जा सकते यू हैव टू टेस्ट कि सैलरी इज़ लेस देन और इक्वल टू फाइव थाउजेंड फर्स्ट वो इस वास्ते कि जिस बंदे की सैलरी चार हजार रुपये है उस पे अगर टेस्ट लगाएंगे सैलरी लेस देन टेन थाउजेंड ट्रू आएगा सैलरी लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड ट्रू आएगा सैलरी लेस देन हंड्रेड थाउजेंड ट्रू आएगा लिहाजा सबसे पहले टेस्ट करें छोटी सैलरी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, उस बड़ी ये रैंडम सीक्वेंस नहीं है ये ऑर्डर्ड टेस्ट हैं इस टेस्ट का हमें फ़ायदा ये है ये थोड़ा सा हमने लॉजिक लगा के जो टेस्ट जनरेट किया है इसका फ़ायदा ये है कि हम कंपाउंड इफ़ स्टेटमेंट से बच गए हैं कौन सी स्टेटमेंट? अगर ये हम ना करते तो फिर हमारे इफ़ कुछ इस तरह का होता कि हम कह रहे होते सेल ऑफ़ आई ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड वो डबल एम परसेंट डाल के सेल ऑफ आई ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू फाइव थाउजेंड ये करो एक इफ़ खत्म हो गया फिर दूसरा इफ़ इफ़ सेल ऑफ आई ज़ीरो इज ग्रेटर दैन फाइव थाउजेंड कह लें ग्रेटर दैन इक्व थाउजेंड एंड वन या जस्ट ग्रेटर दैन फाइव थाउजेंड एंड सेल ऑफ आई लेस दैन और फिर ये करो यानी बट देन एवरी इफ स्टेटमेंट हैड टू टेस्ट सो इट्स नाइसर टू यूज नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर एज लॉन्ग एज यू डू द एनालिसिस राइट सो ये करके जब लूप चलती है तो सेकेंड कॉलम ऑफ द सेल एरे के अंदर नेट सैलरी पॉपुलेट हो जाती है इस पार्ट ऑफ़ द फंक्शन या इस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का काम ख़त्म हो गया वापस मेन में चले गए जब मेन में हम वापस आए तो अब जो हिस्सा रहता है उसमें थोड़ा सा एल्गोदम की ज़रूरत है वो हिस्सा है कि जी अब अनलकी एम्प्लॉज़ को डिटर्मिन किया जाए कि जी कौन ऐसा अनलकी मैं बदनसीब नहीं कहूँगा अनलकी एम्प्लॉई है जिसकी ग्रोथ सैलरी तो अपने कोलीग से ज़्यादा है लेकिन नेट सैलरी अपने कोलीग से कम है तो इसका ज़रा एल्गोदमिक पिक्चर लें कि जी कैसे डिटर्मिन किया जाएगा देखें पहली चीज़ तो ये है कि सारे एम्प्लॉयज़ को तो प्रोसेस करना ही करना है सो दे विल बी अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो अप टू नम एम्प्स इसको प्रोसेस करो हमने शुरू किया एक एम्प्लॉय की ग्रोथ सैलरी और नेट सैलरी उठा के कुछ वेरिएबल्स में रख ली जो आपके कोड में लिखा हुआ है अब क्या करते हैं अब इसको टेस्ट करना है अगेंस्ट ऑल अदर एम्प्लॉयज़ एक अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना चाहें तो हम कहेंगे जी इसको अपने साथ तो नहीं ना टेस्ट करना लेकिन अगर लॉजिक को देखें अपने साथ हम टेस्ट क्या करेंगे इफ़ ग्रोथ सैलरी इज़ ग्रेटर देन सेल ऑफ आई ज़ीरो एंड नेट सैलरी इज़ लेस देन सेल ऑफ आई वन तो जब एम्प्लॉय की अपनी ग्रोथ और अपनी सैलरी जो है वो सेल एरे के साथ कंपेयर होगी अपनी वैल्यूज़ के साथ तो ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा सो ही विल नॉट बी क्लासीफाइड टू मेक द लॉजिक सिंपल वी टेक दिस ग्रोथ एंड नेट सैलरीज फॉर एनी एम्प्लॉई इन टेस्ट देम अगेंस्ट ऑल द वैल्यूज इन द एरे सो इट्स सिंपल आउटर लूप सिंपली स्टेप्स फ्राम जीरो टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइनस वन सी इंडेक्सिंग उसके बाद हमने ग्रोथ सैलरी एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में रख ली नेट सैलरी सो सेल ऑफ आई जीरो एक वेरिएबल में सेल ऑफ आई वन दूसरे वेरिएबल में उसके बाद एक इनर लूप चला दी जो कि फिर वही करेगी जी फॉर जे इक्वल टू जीरो नया लूप काउंटर जे लेस दैन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जे इंक्रीमेंटेड और अब कंपेयर करती जाती है कि जी इफ ग्रोथ सैलरी जो वेरिएबल में रखी हुई है इफ़ ग्रोथ सैलरी इज़ ग्रेटर दैन सेल ऑफ जे जीरो एंड नेट सैलरी इज लेस देन सेल ऑफ जे वन ये वो वाला अनलकी एम्प्लॉ है इस स्टेटमेंट का लॉजिक हो गया अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया तो जब अब इसके लिए मार्किंग चाहिए मार्किंग के लिए याद होगा हमने एक एरे डिक्लेयर की थी लकी लकी के अंदर एंट्रीज कितनी थी जितने एम्प्लॉयज़ की एंट्रीज थी सो वी स्टार्टेड आउट एरिए साइज़ ऑफ वन तो लकी के अंदर वन एंट्रीज थी और सबको हमने इनिशलाइज कर दिया था टू जीरो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी अब एक हमें अनलकी एम्प्लॉय मिल गया है कौन सी वाली जगह पे मिला है जो आउटर लूप डिटरमिन कर रही है हम आउटर लूप वाला जो है ना आई वाला एम्प्लॉय उसको प्रोसेस कर रहे हैं इस वक्त सो आई वाला एम्प्लॉय जो है वो जे के साथ कंपेयर किया और पता चला आई इज़ अनलकी सो so, यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम कहेंगे लकी ऑफ आई इक्वल्स वन सो हमने उसके पोजिशन के सामने एक फ्लैग लगा दिया And that is it. This is our algorithm. That the algorithm states that for each employee, compare his his or her gross and net salaries against those of every other employee, and if an anomaly is found, raise a flag. Once this process is complete, your lucky array is populated with the ones in the unlucky positions. khatam we go back to the main program. इस फंक्शन को लकी अरे भी पास करनी है सो इट विल हैव सेल गोइंग देयर लकी अरे गोइंग देयर बोथ बाय रेफरेंस बिकॉज दे आर एरेज दे आर ऑटोमेटिकली बाय रेफरेंस एंड यू विल आल्सो पास द नम एम्स द नंबर ऑफ एम्पलॉयज दैट वी आर प्रोसेसिंग ना विल बैक टू मेन ना वी नीड टू प्रिंट आउट द लिस्ट ऑफ अनलकी एम्प्लॉयज सिंपली स्टेट देयर नंबर देर ग्रोथ सैलरी एंड देर नेट सैलरी हाउ डू वी डू दैट गो बैक टू अनदर फंक्शन उस फंक्शन को भी सेल भी पास कर दें लकी भी पास कर दें नंबर ऑफ एम्प्लॉज भी पास कर दें उस फंक्शन में क्या होगा अब हम लकी एरे जो थी उसको प्रोसेस करेंगे सो so, हम कहते हैं फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस द नम एम्प्स आई इंक्रीमेंटेड इफ़ लकी ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो या आप कह लें इफ़ लकी ऑफ आई इक्वल्स वन इक्वल ज़्यादा है डबल इक्वल टू साइन के साथ है आपके सामने कोड पड़ा हुआ है इफ़ दिस इज़ वन देन सी आउट अब आउटपुट क्या करना है एम्प्लॉय का नंबर कौन सा वाला एम्प्लॉ है जो कि इस अनलकी कैटेगरी में फॉल करता है एज ह्यूमन बींग्स हमारी गिनती एक से शुरू होती है सो हम इंडेक्स को एक से इंक्रीमेंट करके आउटपुट कर देते हैं तो विज समथिंग लाइक सी आउट एम्प्लॉ नंबर और फिर आई प्लस वन सो लेस देन लेस देन आई प्लस वन और फिर लेस देन लेस देन करके इज अनलकी ग्रोथ सैलरी एकअल्स सेल ऑफ़ आई ज़ीरो नेट सैलरी एक सैल ऑफ आई वन ये एक लंबी सी आउट स्टेटमेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि जी लाइनें अलग-अलग रहें तो इस सी आउट के एंड के ऊपर हमने फिर न्यू लाइन कैरेक्टर रखा हुआ है ताकि वो एक लाइन प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे कैसा चला जाए जब गेलू प्रोसेस होगी तो सिर्फ वो एम्प्लॉज़ जिनके इंडेक्स पोजिशन के आगे हमने वन लिखा था विच व अनलकी एम्प्लॉयज़ उनके नंबर और उनकी सैलरी और उनकी ग्रोथ सैलरी और नेट सैलरी प्रिंट हो जाएगी दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर प्रोग्राम सो नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बट नान द लेस इट इलस्ट्रेटेड अ फ्यू थिंग्स इट एक्सरसाइज द वे वी पास अरेज टू फंक्शंस इट एक्सरसाइज द कॉन्सेपच्चुअल अरेंजमेंट के जी पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है एक चीज़ मैंने बताई कि जी जब भी आप मल्टी डायमेंशनल एरे पास कर रहे होते हैं तो पहले वाले स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अलावा बाकी के आपको वैल्यूज़ दे के पास करना पड़ता है अदरवाइज रिसीविंग फंक्शन को नहीं पता चलेगा इस एरे को मैनिपुलेट कैसे करना है ये हो गई हमने एक और छोटी सी बात की थी कि जी नम एम्प्स को गेट इनपुट फंक्शन में गेट किया जाए या मेन में किया जाए अगर आप इनपुट फंक्शन में गेट करते रीड कराते तो आपको पास बाय रेफरेंस करना पड़ता और फिर रेफरेंस से वो वैल्यू वापस मेन में जाती या इसको आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हमने कहा गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ग्लोबल वेरिएबल से बचें यूज़ इट परहैप्स गेट द इनपुट इन द मेन फंक्शन एंड पास इट बाई वैल्यू बेस्ट ऑप्शन एनी सो एक्सरसाइज

पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल ठीक है इट कैन बी मेनी वाइटीज़ वो हम देख लेंगे लेकिन एक वेरिएबल है जिसमें डेटा वैल्यू की बजाय मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है हाउ डू वी थिंक अबाउट इट इन रियल लाइफ देखें अगर मैं कहूँ किसी स्टूडेंट का नाम लेके कि अहमद के घर ये चीज़ दे देना तो देट इज़ अ रेफरेंस बाई नेम अहमद का घर अगर मैं कहूँ कि जी तेरहवीं गली में चौथे घर में ये चीज़ दे देना तो ये एक रेफरेंस के साथ है एड्रेस के साथ मैंने बताया सो एग्जैक्टली लाइक दैट इन द कंप्यूटर वी कैन हैव एक्स विच इज़ द नेम एसोसिएटेड विद द मेमोरी लोकेशन और वी कैन हैव द एड्रेस ऑफ एक्स सेइंग मेमोरी लोकेशन नंबर सिक्स ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो और जो भी हो सो so, नॉर्मली हम जब वेरिएबल्स की बात करते हैं द वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमरी एंड वेन वी टॉक अबाउट एड्रेस देन दे आर द एड्रेस ऑफ दोज मेमरी लोकेशंस ना इन टर्म्स ऑफ कैन वी यूज दैम इंटरचेंजेबली द आंसर इज़ यस हाउ डू वी चेंज हाउ टू वी यूज दैम देखें अगर एक्स को मैंने वैल्यू असाइन करनी है तो मैं कह सकता हूँ कि जी एक्स इक्वल टू टेन सो दस की जो वैल्यू है वो उस मेमोरी लोकेशन में प्लेस हो जाएगी जिसका लेबल एक्स है यानी जिसको हमने नाम एक्स दिया हुआ है दूसरा तरीका यही करने का ये है कि जी जैसे एक पर्ची के ऊपर मेमोरी लोकेशन लिखी हुई है मैं कहता हूँ जो एड्रेस इस पर्ची पे लिखा हुआ है उस एड्रेस में दस लिख दो सो नाउ आई कैन से ऑल राइट आई एट द पर्ची एंड से ओके सिक्स ज़ीरो लोकेशन एड्रेस की जगह है सो so, उस एड्रेस पे जाके 10 टेन लिख दो ना उसका नाम शायद एक्स हो शायद वाई हो शायद जेड हो जो कि हमने ऑर्डनरी वेरिएबल्स के थ्रू हासिल किया हुआ है लेकिन हम पॉइंटर के थ्रू भी वहीं पे पहुंच सकते हैं पॉइंटर की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर की मदद से हम जो मेमरी लोकेशन है उसकी वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट वी यूज दैम ऑल द टाइम लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल सपोज़ आई वोट टेक द नेम ऑडिटोरियम है बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं मैं एक लफाफा उठा के एक इनाम अनाउंस करना चाहता हूँ दो तरीके हैं करने के मैंने लफाफा खोला उसमें से देखा निका जी अहमद रशीद आओ अपना इनाम ले लो दैट इज़ अ वेरिएबल रेफरेंस आई डो नाट नो वेयर अहमद रशीद इज़ सिटिंग इन द ऑडियंस मुझे नहीं पता उसका मेमरी एड्रेस क्या है मैं कहता हूँ जो भी इस नाम का बंदा है वो आके अपना इनाम ले ले दूसरा तरीका वही लफाफा खोला लेकिन अंदर अहमद रशीद नहीं लिखा हुआ उस पर लिखा हुआ है सीट नंबर 83 आइए अपना इनाम ले लें इस केस में मुझे ये नहीं पता कि सीट नंबर 83 पे कौन बैठा हुआ है लेकिन मैंने एड्रेस से बुला लिया तो देखें दो सटल चीज़ें हैं काम एक ही होगा ठीक है कि जी इनाम दे दिया जाएगा In the first case, by name, in the second case, by address. So, pointers are the way we use addresses. How do we declare these so called pointer variables? I already mentioned it in a previous lecture. Pointers, they point to a particular data type. So, you can have a pointer to an integer, you can have a pointer to a double, a pointer to a character, and so on. सो टाइप हैज टू बी एसोसिएटेड विद द पॉइंटर पॉइंटर का नाम होना चाहिए इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल सो द रूल्स अप्लाई वेरिएबल नेमिंग रूल्स एंड देन देर इज़ अ स्पेसिफिक वे ऑफ डिक्लेयरिंग इट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिक्लेयर करना हो एक पॉइंटर टू एन इंटिज हम लिखते हैं इंट स्टार नेम व नेम इज़ द वेरिएबल नेम लेट से वी कॉल इट माई पॉइंटर माई पी टी आर सो वी से इंट स्टार my PTR semicolon आर स्टार और PTR टी आर के दरमियान हम जगह नहीं छोड़ते ये भी एक प्रोग्रामिंग स्टाइल वाली बात है लेकिन रिमेंबर कि स्टार जो है वो इंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा वो माई पी टी आर के साथ एसोसिएट हो रहा है और इस लाइन को या कोई भी लाइन डिक्लेरेशन की हो जिसमें पॉइंटर्स हों उसको आसान पढ़ने का तरीका वो ये है आप राइट टू लेफ्ट पढ़ें सो यू वुल रीड इट एज़ माई पी टी आर is a pointer to an integer. So, self explanatory ho jati. double star x. X is a pointer to data of type double. I say char star c. C is a pointer to a data of type character. So, simple enough. Whenever we are using these pointers, they are going to store or hold memory addresses. कौन से memory addresses? suppose एक variable है. let's work with one example जो के int pointer का है. so declaration हो गई int star *ptr. ptr is a pointer to an integer. हमने एक और integer लिया int x. ये सब semicolons लग रहे हैं. कहीं पे चल के हमने कहा x को कोई value दे दी. x is equal to 10. अब हम चाहते ये हैं कि जी पी के अंदर एक्स का एड्रेस आ जाए तो वो एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं विच इज़ द सिंगल एम्पस एंड ठीक है द एंड साइन जो कीबोर्ड पे बना हुआ है सो वि पी टी आर इक्वल्स एंड एक्स वाट दिस डज इज एक्स वेरिएबल की जो भी मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस पी टी आर के अंदर स्टोर कर देगा आप ये पूछ सकते हैं कि जी पी टी आर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसकी अपनी टाइप क्या है इज़ इट एन इंटिजर इज़ इट अ डबल इज़ इट अ केरेक्टर पी टी आर इज़ अ होल नंबर ठीक है यानी पॉइंटर्स आर होल नंबर्स बिकॉज वो मेमरी एड्रेस को रेफर करते हैं और उसके लिए यही होता है कि जी इट इज़ अ होल नंबर बिग इनफ टू स्टोर एनी मेमरी एड्रेस बस ये नहीं बताते कि हम कि जी इंट है कि लॉन्ग इंट है या शॉर्ट इंट है क्या है सो इट इज़ अ होल नंबर बट इट नॉर्मली इज़ बिग इनफ

तो so, एक एड्रेस ऑपरेटर था परसेंट एंड द स्टार इज द डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्टार पी टी आर तो जैसे ही आपने पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टार लगा दिया तो इसको पढ़ने का तरीका यह है द वैल्यू ऑफ वाट एवर पी टी आर पॉइंट टू दिस इज इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर समथिंग दैट शुड बिकम रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या जी आपको एक प्रोग्राम कोड के अंदर लाइन नजर आई इंट स्टार पी टी आर जिसे ओ Ptr is a pointer to integer. seen Nazarai line Z is equal to star Ptr times 2. So you can get oh Z is equal to the value of whatever Ptr points to multiplied by 2. So we do arithmetic, we do any and all expressions like this. मैं कई दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि जी जब भी कोई चीज़ डिक्लेयर करें तो उसको इनिशलाइज़ कोई इनिशियल वैल्यू दे देनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि जी बाद में जाके ये गलती से ना इसमें कोई अन नोन वैल्यू ना पड़ी हो इस्तेमाल के वक्त पॉइंटर्स को कैसे स्टार्टिंग वैल्यू दी जाए एक तरीका तो यही है कि जी पॉइंटर मस्ट होल्ड एन एड्रेस ऑफ समथिंग सो किसी वेरिएबल का एड्रेस ले कर पॉइंटर में स्टोर कर दो अभी वो वेरिएबल की बारी नहीं आई तो पॉइंटर को फिर भी हम इनिशलाइज करना चाहते हैं तो किस से करें नॉर्मली वी विल इनिशलाइज और असाइन द फर्स्ट वैल्यू टू अ पॉइंटर एज ईदर ज़ीरो और द मैजिक वर्ड नल एन यू एल एल कैपिटल्स के अंदर ये कैपिटल्स के अंदर नल कहाँ से आ गया ये सी लैंग्वेज का हिस्सा है नहीं ये सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस का हिस्सा नहीं है but it is a global constant declared in many of the header files so shop include include file in declared so by again good programming practice it is nicer to use a word jiskaku matlab samajai so we say when we say ptr equals null we are saying it is a null pointer it points to nothing at the moment the same thing would be ptr equals 0 it points to nothing at the moment because 0 will not be considered a valid memory address. Baad me jaake, jab humne pointer ko istamal karna hai, or istamal ka hai, it is appearing on the right hand side of either an assignment statement or is being used as part of an expression. Uswag PTR must point to a valid memory address, pe koi is stored ho. Uske liye, humare already tarika hai, we would say PTR equals AND x, yeah, AND y, or whatever. किसी वेरिएबल का एड्रेस लेके हम पी के अंदर स्टोर कर देंगे पॉइंटर्स का एक मतलब यूज़ जो है हमने पहले डिस्कस किया था सी के डिफ़ॉल्ट जो है इट इज़ कॉल बाय वैल्यू वेन एवर वी कॉलिंग अ फंक्शन इट इज़ कॉल बाय वैल्यू वी वांट अ कॉल बाय रेफरेंस अभी जो हमने प्रॉब्लम कंप्लीट किया है सैलरीज और एम्प्लॉयज़ और टैक्सेस वाला उसके हमने बात की थी कि जी अगर नम एम्प्स वेरिएबल जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉज़ वाला वो अगर इनपुट फंक्शन के अंदर हम उसकी वैल्यू पढ़ लें कीबोर्ड से तो वो मेन प्रोग्राम तक कैसे पहुँचेगा तो इफ़ यू रिमेंबर अगर मेन प्रोग्राम उसका एड्रेस भेज दे टू द फंक्शन तो फिर वो वैल्यू मेन तक वापस आ सकती है इट बिकम्स अ कॉल बाय रेफरेंस सो वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ पॉइंटर्स इज़ सिम्यूलेटिंग अ कॉल बाय रेफरेंस व्हेन वी यूजिंग इट विद फंक्शन कॉल्स उसके अंदर हम करते क्या हैं कि जी फंक्शन कॉल करते वक्त यानी मेन प्रोग्राम में या किसी कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर हम एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करके वी सेंड द एड्रेस होगा सो अगर एक्स है या नम एप्स है हम उसके आगे एंड साइन लगा के एंड नम एम्प्स भेजेंगे रिसिविंग फंक्शन जो है उसको पता होना चाहिए कि जी एक एड्रेस मेरे पास आ रहा है तो उसको डेक्लरेशन उसकी जो है रिसीविंग फंक्शन की लाइन वो कहेगा इंट स्टार नम एम्प्स सो इट विल डिक्लेयर कि मेरे पास जो नम एम्प्स है इसका नाम बदला जा सकता है फंक्शन के अंदर दैट इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटेजर ये रिसीविंग फंक्शन की जो डेक्लेशन लाइन है उसमें आ गया और बॉडी के अंदर अगर नम एम्प्स को इस्तेमाल करना है सी इन के साथ तो हम कहेंगे सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन स्टार नम एम्प्स वट वी डू देट वी से कि की बोर्ड से जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर कर दो इन द प्लेस वेर एवर नम एम्प्स इज पॉइंटिंग टू यानी नम एम्प्स की वैल्यू नहीं बदलनी बिकॉज नम एम्स की वैल्यू तो एड्रेस है पर कह रहे हैं इस एड्रेस पे जो जगह है वही मेमोरी का हमेशा आप तस्वुर रखें पिजन होल्स हैं देर लिटल होल्स बॉक्सेज इन इन द मेमरी स्पेस और बॉक्स के ऊपर एड्रेस नंबर लगे हुए हैं तो हम कह रहे हैं नम एम्प्स जिस एड्रेस को पॉइंट करता है उसके अंदर जाके ये वैल्यू लिख दो सो वेन एवर यू यूजिंग द वैल्यू एसोसिएटेड विद द पॉइंटर यू से स्टार पी टी आर या स्टार नम इन दिस केस एंड वेन एवर यू यूजिंग से द एड्रेस देन नमेम्स इज द एड्रेस और उसको एंड साइन के साथ असाइन किया जाता है पॉइंटर्स जो हैं दे कैन अपियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली लाइक ऑर्डनरी वेरिएबल्स बट देन On the right hand side, you would have an address statement. Address, jo hai, the and operator, wo expression ka hota. The address cannot be taken of x plus y. The address can be either the, x, the address of x or the address of y. Simple variables. Arrays ka case, we have was special We will discus, eh, discuss that later. can, for the moment, be clear. कि जी एड्रेस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल वेरिएबल सो वेन वी हैव अ पॉइंटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द राइट हैंड साइड हैज टू बी एन एड्रेस एड्रेस नॉट बी टेकन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द अदर हैंड इफ अ पॉइंटर अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन तो इट कैन पार्टिसिपेट इन एनी एक्सप्रेशन सो स्टारी टी पी के साथ पॉइंटर जिस चीज़ को भी पॉइंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है और वैल्यू के साथ हम जो भी कैलकुलेशन करना कर लेते हैं आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जी पॉइंटर्स के साथ भी अरेथमेटिक की जा सकती है दैट इज़ इट्स सेल्फ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बट फॉर द मोमेंट वी वोट टच दैट हाउ डू वी डिक्लेयर मतलब डू वी ऑलवेज डिक्लेयर पॉइंटर्स ऑन सेपरेट लाइन्स आंसर इज नो यू कैन डू वो इसी तरह की कॉम्प्लेक्स डिकलेशन जो हम पहले भी करते हैं कि जी इंट आई कॉमा जे कॉमा के इस तरह भी कर लेते हैं तो पॉइंटर्स के लिए हम क्या करते हैं इंट स्टार पी टी आर वन कॉमा स्टार पी टी आर टू कॉमा स्टारी टी आर थ्री सेमी कॉलर यानी एक लाइन पर एक से ज़्यादा पॉइंटर्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो स्टार है विच इज़ द पॉइंटर डिनोट जो कर रहा है द स्टार इज एसोसिएट विद द नेम ऑफ द पॉइंटर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द टाइप सो इंट के साथ स्टार नहीं लगा हुआ स्टार पी टी आर के साथ लगा हुआ है अगर आपके पास एक डिकलरेशन स्टेटमेंट हो जो कहे इंट star ptr comma x semicolon this statement reads as ptr is a pointer to integer and x is an ordinary integer variable you can declare arrays on the same line so you could say int star ptr comma x comma a square brackets 10 a line kinder hamne a pointer to an integer declare kya ek jo hai simple integer variable declare kiya or ek array declare ki of 10 integers so it is quite all right to mix declarations style wise the guideline is maybe you want things that are associated declared together So, that's a matter of evolution as you develop and you write more programs you will develop your own style just remember the star is associated with the name of the pointer नॉट विद इट्स टाइप सो ये गलती कभी ना कीजिएगा कि जी इंट स्टार पी टी आर वन कोमा पी टी आर टू कौ पी टी आर थ्री लिख के आप समझेंगे जी पी टी आर टू और पी टी आर थ्री भी पॉइंटर्स बन गए वो पॉइंटर्स नहीं बनेंगे दे विल बिकम ऑर्डिनरी इंटज वेरिएबल्स सो बी केयरफुल अबाउट दैट लेट्स नाउ स्टार्ट यूजिंग दीज पॉइंट बिट अभी तो आर्टिफिशल मैनिपलेसन होगी जैसे हम करते रहते हैं एक्जाम्पल के तौर पर तो सपोज दैट वी हैव इंट स्टार वाई पी टी आर एक पॉइंटर है उसका नाम है वाई पी टी आर एंड इट्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटेजर मतलब इट पॉइंट्स एन इंटेजर कॉमा वाई एंड वाई बिकम्स एन ऑर्डिनरी इंटेजर वेरिएबल डाउन द रोड वी कैन से समथिंग लाइक वाई इज इक्वल टू हंड्रेड वाई पी टी आर इक्वल्स एंड वाई तो वाई का एड्रेस वाई पी टी आर के अंदर चला गया हम क्यों करें well i have already given you one specific use of pointers that is for simulating a call by reference if we want to pass the address of a variable into a function so that when it makes some changes the actual variable is also changed that is a call by reference we use pointers the other one is slightly more subtle but much more useful suppose we have a function just name bar bar over hai but with different variables नॉट इस आई डेंट से डिफरेंट एरे वैल्यूज अदरवाइज वी नो वॉट टू डू विद अरेज बाय नाव ऐसे इट हैजू डू द सेम थिंग बट विद डिफरेंट वेरिएबल्स एक तरीका तो ये है कि जी हर दफ़ा उसको कोई और वेरिएबल पास किया जाए बाय रेफरेंस अदरवाइज वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी दूसरा यह है कि जी उसको पॉइंटर्स के साथ फंक्शन को लिख लिया जाए और हर दफ़ा कॉल करने से पहले जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें सिंपल वेरिएबल का एड्रेस डाला और कॉल भेज दी सो इट्स अ कॉल बाय रेफरेंस ऑटोमेटिकली लेकिन एक ही पॉइंटर वेरिएबल बार बार इस्तेमाल हो रहा है एंड एवरी टाइम इट इज़ होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अ डिफरेंट वेरिएबल ठीक है कॉल बाय रेफरेंस का और कोई फायदा है इट्स प्रॉब्बली टू अर्ली फॉर यू टू डिटर्मिन कि जी कॉल बाय रेफरेंस का और क्या फ़ायदे होते हैं लेकिन लेट मी ट्राई इन स्टेप बैक अ लिटल बिट एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ फंक्शन कॉल का जब की जाती है वो मेकनिज़म क्या है देखें व्हाट वाट इज़ कि हम एक फंक्शन में जा रहे हैं और उसमें कुछ वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं जो कि फ़ंक्शन ने इस्तेमाल करने हैं कॉल बाय वैल्यू में ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ किसी जगह पर लिख दी जाती हैं और फिर कंट्रोल जो है वो चला जाता है फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहते हैं कि भई ये वैल्यूज़ तुम्हें दी गई हैं वो इस जगह से वो वैल्यूज़ को उठा लेता है सो दैट इज़ फाइन

वो जो मैं कहीं पे रखने की बात कर रहा हूँ उसको हम स्टैक कहते हैं बट यू विल डिस्कस दैट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा मैं उनकी कॉपीज़ बना के रखूँ और फिर कहूँ अब सौ कॉपियाँ यहाँ से ले लो अ वेरी इन एफिशेंट वे ऑफ वर्किंग ऑन द अदर हैंड आई कुड हैव सेड कि जी इस एरे का एड्रेस मैंने दे दिया है इस जगह पर सौ चीज़ें पढ़ी हुई जाओ वहीं से पढ़ लो सो नो कॉपीज़ वर एवर मेड यू जस्ट वेंट टू दैट लोकेशन एंड यू रेड द वैल्यूज़ बट देर इज़ अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वेन एवर वी डू अ कॉल बाई रेफरेंस वी आर लेटिंग आर सेल्व ओपन टू अ वेरिएशन और अदर वी कैन चेंज द वैल्यूज दैट द एड्रेस पॉइंट टू ना समाइम्स दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट जो हमने वो टू डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल किया था हमने कहा जी गेट इनपुट में सैलरी पढ़ो और वो एरे में लिख दो और वो दूसरे फंक्शन को अवेलेबल हो सो वी वॉन्ट दैट टू हैपन अदर टाइम्स फ़ॉर एफिशेंसी हम एड्रेस पास करना चाहते हैं ताकि सारी हमें कॉपियाँ ना बनानी चाहें पढ़ें लेकिन हम चाहते हैं कि जी उस एड्रेस को मैनिपुलेट करते हुए ओरिजिनल कॉपी ना चेंज हो पाए इसके लिए डू वी हैव अ मैकेनिज्म जो कि ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर सके एंड ओबियसली मैंने अगर टॉपिक छेड़ा है तो द आंसर इज़ येस देर इज़ अ वे एंड देट वे हैज़ टू डू विद द कॉन्स्ट की वर्ड कौंस की के बारे में हम थोड़ा सा बाद में आते हैं लेकिन एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो अभी आपको समझ आ जाए उसके बारे में बात कर लें देखें आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर भी बबल सॉर्ट का फंक्शन किया था आपको याद है एक एरे आपको दी हुई है उसको सॉर्ट करना है और एक बड़ी सिंपल सी ब्रूट फोर्स टेक्निक मैं उसको कहूँगा ज़ोर बाजू से करने वाली बात है बबल सॉर्ट कर दो क्या करती थी कि जी दो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते गए और या बड़ी वाली वैल्यू सबसे नीचे ले गए या छोटी वाली ऊपर ले गए दैट्स बबलिंग और उससे हम एरे को सॉर्ट करते थे लेकिन एक की चीज़ जो कि बबल सॉर्ट में इस्तेमाल होती थी और वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स के अंदर इस्तेमाल होती है वो है स्वॉपिंग ऑफ टू वैल्यूज़ देखें जब हम बात कर रहे थे टू डायमेंशनल एरे को ट्रांसपोज करने की या और उसकी मैनिपुलेशन की तो हमने वहाँ पे भी शॉपिंग की थी और शॉपिंग के लिए हमने कहा था एक टेम्प्रेरी वेरिएबल रखो उसमें ओरिजिनल वैल्यू लिख दो ओरिजिनल वैल्यू पे नई वैल्यू डाल दो और जहाँ पे नई वैल्यू लिखी हुई थी वो टेम्प्ररी वाली लोकेशन से वैल्यू वहाँ रख दो दैट्स द स्टैंडर्ड स्वॉप प्रॉब्लम इज इफ आई वांट टू स्वॉप टू वेरिएबल्स लेट्स से एक्स एंड वाई कैन आई डू दैट विद अ फंक्शन कॉल मतलब मेन प्रोग्राम में तो मैं कहूँगा टेम्प इक्वल्स एक्स एक्स इक्वल्स वाई वाई इक्वल्स टेम्प श्रॉपिंग हो गई बट कैन आई कॉल अ फंक्शन से इंग स्वॉप एक्स कॉमा वाई और सॉप फंक्शन के अंदर जाएं तो वो ये कह रहा हो टेम्प इक्ल्स एक्स एक्स इक्स वाई वाई इक्वल्स टेम्प और वापस आ जाए वेल यू नो द आंसर आंसर इज दिस वाज अ कॉल बाय वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यूज़ वहां भेजी गई वो वैल्यूज़ किसी नई मेमोरी लोकेशन में सॉप फंक्शन को मिली वहां पर वो इंटरचेंज हो गई लेकिन जब आप वापस आए तो ओरिजिनल एक्स और वाई की वैल्यूज़ वहीं की वहीं हैं बिकॉज दे वर नेवर पासड बाय सो हेयर इज एनर यूज ऑफ पॉइंट विच इज़ अ रियल यूज सॉप का फंक्शन लिखना हो तो आप दो सिंपल वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने के लिए यू हैव टू यूज अ कॉल बाय रेफरेंस उसका एग्जाम्पल अगेन यू विल फाइंड इट इन योर हैंड आउट्स यू टेक द एड्रेस ऑफ वन वेरिएबल इंड यू टेक द एड्रेस ऑफ द सेकेंड वेरिएबल इन पास दैट टू द सॉप फंक्शन सो नाउ वी हैव कोड दैट लुक समथिंग लाइक दिस सो द कोड बेसिकली बिकम्स जैसे वाई पी टी आर इक्वल्स एंड वाई एक्स पी टी आर इक्वल्स एंड एक्स स्वॉप वाई पी टी आर कौमा एक्स पी टी आर रिसीविंग कोड जो है मस्ट नो कि ये एड्रेसेज भेजे जा रहे हैं तो स्वॉप फंक्शन की डिकलरेशन जो है वो हो जाएगी स्वप इंट स्टार जैसे वाई पी टी आर कौमा इंट स्टार एक्स पी टी आर सो इट्स रिसीविंग पॉइंटर्स टू इंटेजर्स न दिस इम्प्लीमेंटेड अल बाज इट अप्लाई टू लेट से वही बबल शॉट का अगर प्रॉब्लम हो लेकिन बबल शॉट जो करनी है हमने वैल्यूज वो एरे में स्टोर की हुई हैं तो ये तकनीक इस्तेमाल हो सकती है आंसर इज एब्सोल्यूटली हो सकती है इन फैक्ट दैट इज वॉट वी नीड टू डू रिमेम्बर अगेन आई विल री एट्रेट वेन वी पास इन अरे द एरे इज पास बाई रेफरेंस But when we pass an array element, it is passed by value. So, agar array is a then to a of i yeah. a of fifty-three is a value. Okay. So, first of all you will take the address of this value. So, you will take the address of a of 53 and you will take the address of let us say a of 54 and then you will pass the addresses to the swap function. Ya to array ko bheje, पूरी एरे को भेजेंगे तो फिर सॉप फंक्शन नहीं होगा वो फंक्शन बजाते खुद बबल सॉर्ट होगा लेकिन अगर बबल सॉर्ट अपर लेवल पे लिखा हुआ और वो सॉप फंक्शन को कॉल करता है तो यू मस्ट पास द एरे एलिमेंट्स बाय रेफरेंस इन अदर वर्ड्स टेक द एड्रेस एंड सेंड देम ओवर राइट लेट्स टेक नाउ अ लुक एट अ स्लाइटली ट्रिकी पीस ऑफ कोड दिस हैज टू डू विद द डेक्लोरेशन यूजिंग द कॉन्स्ट की वर्ड वट हाउड वी डू दिस सपोज हमारे पास एक ये लाइन लिखी हुई हो इंट स्टार कॉन्स्ट माई पी टी आर इक्वल्स एंड एक्स सेमीकोलन इसको पढ़ने का तरीका क्या है अगेन इक्वल टू अभी छोड़ दें और वहाँ से हम राइट टू लेफ्ट पढ़ने लगते हैं हम कह रहे हैं माई पी टी आर इज अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू एंड इंटेजर कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू एंड इंटेजर यह क्या करता है आपको याद होगा जब भी हम कॉन्स्ट का की वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट हो जाती है वो चीज़ कॉन्स्टेंट हो गई तो बाद में उसको वैल्यूज असाइन नहीं की जा सकती सो वैन वी सेड समथिंग लाइक कॉन्स्ट इंट एक्स तो इमीजिएटली हमें कहना पड़ता था इक्वल टू टेन या इक्वल टू जीरो उसको वैल्यू भी असाइन करनी पड़ती थी क्योंकि जब आपने इंट एक्स कर दिया एक्स इज एन इंटेजर कॉन्स्टेंट तो बाद में जाके आप एक्स इक्वल टू ट्वेंटी नहीं लिख सकते एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती यहाँ पे इस लाइन पे हमने डिक्लेयर किया है माय पीटीआर इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट पॉइंटर इट मस्ट ऑलवेज पॉइंट टू समथिंग इमीजिएटली और उस वास्ते हमने आगे इक्वल टू साइन दिया और कहा एंड एक्स वेर एक्स माइट बी एनअर वेरिएबल जिसका एड्रेस ले कर इसके अंदर लिख दिया गया और अब यह पॉइंटर नहीं चेंज हो सकता इस्तेमाल हम कर सकते हैं कोई फ़ायदा हुआ नॉट मच इट इज़ लाइक गिविंग अनदर नेम टू एक्स सो यू कैन हैव एक्स विद टू डिफरेंट नेम्स समटाइम्स कभी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर आप चाहेंगे कि जी एक जगह पर उसको एक्स बुलाया जाए दूसरी जगह पर उसको माई पॉइंटर बुलाया जाए लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टेंड दो नॉर्मली आई वुड आर गो अगेंस्ट यूजिंग पॉइंटर्स एज कॉन्स्टेंट रेफरेंसेज ऑन द अदर हैंड कॉन्स्ट का की वर्ड थोड़ी सी उसकी जगह शिफ्ट कर दी जाए तो उसका मतलब बदल जाता है सपोज वी हैड द लाइन विच सेड कॉन्स्ट इंट स्टार माई पी टी आर नॉट इज इट से इट्स एज माई पी टी आर इज अ पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट इंटीजर अब क्या हो रहा है कि जी पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू बदल सकती है इट कैन पॉइंट टू वन और टू और थ्री लेकिन जो वैल्यू जो है उस लोकेशन पे पड़ी हुई वो नहीं बदल सकती इस चीज का कोई काम इसका काम बहुत कॉमन है देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक ड्रॉबैक भी है एफिशिएंसी तो है कि जी वो सौ वैल्यूज़ आपको किसी स्टैक पे नहीं लिखनी पड़ी और फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ा आपने एक एड्रेस लिख दिया फंक्शन ख़ुद वहाँ से सौ वैल्यूज़ उठाता रहे ओरिजिनल लोकेशन से डाउन साइड ये है कि जी अगर आप चाहें कि वो फंक्शन ओरिजिनल वैल्यूज़ को चेंज ना कर सके तो कोई मेकेनिज्म नहीं था उसको तो आपने सब कुछ ही पकड़ा दिया एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो जाके अगर बदल दे तो वैल्यूज़ बदल जाएंगी एट द ऑरिजिनल एड्रेस वैन यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन समथिंग फ़नी हैज़ हैपन But if the function ka prototype jo hai declares its receiving arguments with this type of construct which says const int star my pointer, then it is saying ke muja jo value di jarai hai wo constant integer hai ya const double, it is a constant double value. Then the function cannot change that value. So it is like having your cake and eating it too, you have got the address. ऑफ अ मेमरी लोकेशन जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है लेकिन उस एड्रेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनी अदर कंप्यूटेशन, बट यू नॉट चेंज दैट वैल्यू नाउ इन द मेन कॉलिंग प्रोग्राम दैट वैल्यू कुड हैरी वेरिएबल यानी मेन प्रोग्राम में उसकी वैल्यू बदली जा सकती है बट वेन यू सेंड इट टू अ फंक्शन एंड द फंक्शन रिसीवज इट विद इट्स एड्रेस एज अ कॉन्स्ट सम इंट ऑर डबल और चार और वट एवर पॉइंटर तो so, उसका फायदा ये होता है कि फंक्शन उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदल सकता देर आर नो साइड इफेक्ट्स सो दिस इज़ अ यूजफुल पार्ट सो द एलियसिंग और द रे रेफक्रिएटिंग अ रेफरेंस अ न्यू नेम फॉर अ वेरिएबल वॉज इंट वेरी यूजफुल सम सिचुएशंस इट इज़ बट सेविंग सेंडिंग समथिंग बाय रेफरेंस एंड प्रिवेंटिंग द कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम चेंजिंग इट्स वैल्यू इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग पॉइंटर्स आर लॉट मोर टू बी डन विद पॉइंटर्स छोटी सी चीज़ मैं बताता चलूँ एरे आती है भाई अरे क्या चीज है वेन एवर वाई से इंट ए टेन वॉट आर वी सेंग ए इज एन एरे ऑफ टेन इंटिजर्स भाई ए का मतलब क्या है इज इट अ सिंपल वेरिएबल नेम बट ऑबियसली इट्स नॉट अ सिंपल वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ एन एरे बट वाट इज़ द नीम ऑफ एन अरे मीन इन रियल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मेमरी लोकेशन वेल इट टर्नज आउट कि जब आपने लिखा इंट ए टेन तो कंप्यूटर ने मेमरी के अंदर दस इंटिजर्स की जगह रिजर्व कर दी ठीक है उसके डायमेंशन जो है और उस जगह को एक नाम भी दिया वो नाम जो ए है वो किस लोकेशन को रेफ़र करता है वेल इट डजन रेफर टू ऑल टेन It refers to the first, any starting location of the array. How does it refer? That is the address. So whenever we say int a10, then a is the address of the starting location of the array. This applies to character strings, it applies to double string, double uh, arrays or character arrays, whatever array. The name of the array is an address and the address is the starting point, the starting address of the array. And this again applies to one dimensional arrays, two dimensional arrays or however many dimensions we want to work with. So, arrays and pointers are very, very intricately linked. Why? Because the name of the array itself is an address. What is a pointer? A pointer is a variable containing an address. So, we will work with pointers and arrays more in the subsequent lectures. सो so, आज के लेक्चर में हमने अपनी कुछ जो पिछली दफ़ा का प्रॉब्लम था उसको कंटिन्यू करके कंक्लूड किया और फिर हमने पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन शुरू की और इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ और कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि ये कहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल हैं और कहाँ हमारे लिए ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते मतलब इनके अंदर डेंजर भी होता है जो एरेज वाला हिस्सा है वी विल डिस्कस दैट इन सबसिक्वेंट लेक्चर्स सो टिल दैट टाइम इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़